42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है 14 से 27 नवंबर तक, और हॉल नंबर 5 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। यहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का, और यहाँ पर आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो सफाई कर्मचारी का जो फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है तो वो किस तरह से काम करता है। पूरे परिचय के साथ जानकारी दें RJS पॉजिटिव मीडिया को, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को परिचय। मेरा नाम सुरेश कुमार, मुख्य प्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हमारे मंत्रालय के द्वारा इस हॉल नंबर 5 में प्रगति मैदान में ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी 3 कॉरपोरेशन हैं, नेशनल शेड्यूल क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लाभार्थी भाग ले रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों से आए हैं, और उनके विभिन्न प्रोडक्ट जो कि इस मेले में दर्शाए गए हैं वो अपना सामान बेच रहे हैं। ये बेनिफिशरी सभी देश के कोने कोने से आए हैं और ये अपना सामान बेच रहे हैं। इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है और हमारा संबंधित निगम है, इनको जो लोन देता है, इनके जो हमारी जो स्कीम है उसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत ये लोन लेके फिर उन प्रोडक्टों के जहाँ दर्शाते हैं उनको बेचते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। जब ये जहाँ पहुँचते हैं इनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल प्रोवाइड कराया जाता है, इनको TADA दिया जाता है, और इनके रहने की व्यवस्था सब और सामान लाने वगैरह का सब खर्चा तीनों निगमों द्वारा दिया जाता है। इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है इन तीनों निगमों के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इनको सारी जानकारी मिलती है हमें किस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहिए और कहाँ कहाँ से लाना चाहिए, किन किन प्रोडक्ट्स से हमें लाभ होगा, उस तरह से ये बेचते हैं। और इनका परिवार जो कभी पहले हालत इनकी ठीक नहीं थी, अब इन स्टालों में आके मेलों में आके जो कि पूरे भारत में लगाए जाते हैं उनमें भाग लेके अच्छी इनकम लेते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ये सारे भारत को पता पड़े कि किस तरह से ये जो लाभार्थी हैं अपना मंत्रालय द्वारा और निगमों द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्टॉल है, बताएं परिचय के साथ ट्रेड फेयर में कैसा रिस्पॉन्स रहा, नाम क्या है? राकेश कुमार। हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ही मांचल से आया हूँ, पालम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर से हूँ, और हमने गांव के महिलाओं से जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके ये प्रोडक्ट बैम्बू के बनाए हुए हैं उन्हीं को लेकर हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड फेयर में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ये NSFDC वाले जो हैं जिन्होंने हमें ये CMD साहब और जो GM इन्होंने हमें ये फ्री हमें स्टॉल दिया है, हम इसका कुछ पे नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी सुविधा तो हमें क्या चाहिए। कुछ ये हमें आने जाने का कुछ मानदेय भी देंगे, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या देंगे, मगर कुछ देंगे जरूर। ये क्या क्या बना के लाए हैं? हमारा डस्टबिन है, स्टूल है, सोफ़ा है, पेन स्टैंड है, ट्रे है, फिर क्या बोलते हैं फाइल फोल्डर है, टी कोस्टर है, बहुत सारी आइटमें हमारी, ये इनका है हमारा नहीं। बताइए आप, बताइए परिचय के साथ कहाँ से आए? मेरा नाम संतोष शेट्टे है, मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा ये लेदर का प्रोडक्ट है, मैं हमें भी फ्री मिला है NFDC से, मैं SC कास्ट से बिलोंग करता हूँ।
तो ये सुविधा तो अच्छी है, हमें अपना एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि बाबा अपना एक छोटे उद्योग से बड़ा कर कैसे करना है, एक प्लेटफॉर्म सेलिंग के लिए अच्छा दिया है गवर्नमेंट ने। ये मेरे सब सेलिंग बैग, लेडीज़ बैग है, लैपटॉप बैग है, एक टोर्स बैग है, वॉलेट्स है, क्लच है, सब वराइटीज़ मेरे पास है। और मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मैं खुद, मेरा यूनिट है, हम खुद बनाते हैं। तो कैसा रहा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो हाँ ठीक रहा यार, अभी तक तो ठीक रहा है रिस्पॉन्स, और पब्लिक भी अच्छी तरह आ रही है, अच्छा है।